हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न। आज मैं आप लोग के साथ यूकेजी हिंदी सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यूकेजी में बच्चों को सबसे पहले स्वर अक्षर अ से अ तक की पुनरावृत्ति करवाई जाती है, यानी दोहराई जाती है। फिर व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक की पुनरावृत्ति करवाई जाती है, क्योंकि पहले बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। इस तरह से स्वर अक्षर पूरा लिखने के लिए दिया जाता है और तब व्यंजन अक्षर फिर उन्हें लिखने के लिए दिया जाता है। इस तरह से स्वर और व्यंजन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। नेक्स्ट, दो अक्षर और तीन अक्षर से बने शब्दों की पुनरावृत्ति करवाई जाती है। फिर बच्चों को दो अक्षर जैसे इस तरह से पिक्चर बनाकर दे दिया जाता है और उन्हें उनका नाम लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे ज ग ज, घर घर, न थ न, टव टव, इस तरह से दो अक्षर का शब्द और इस तरह का फिर तीन अक्षर का शब्द। जैसे कमल कमल, मगर मगर, चरण चरण, मटर मटर, इस तरह से दो अक्षर और तीन अक्षर का प्रैक्टिस करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को चार अक्षरों से बने शब्द भी बताया जाता है। जैसे अदरक अदरक, अचकन अचकन, इस तरह से शब्द बताया जाता है। फिर मात्राओं का ज्ञान, जब बच्चे दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर का शब्द सीख जाते हैं तब उन्हें मात्रा के बारे में बताया जाता है। जैसे आ हर्षई दीर्घई हर्षव, उनकी मात्रा कैसे लगता है। जैसे आ की मात्रा, हर्षई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, हर्षव की मात्रा, दीर्घऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा और री की मात्रा। और बच्चों को कुछ विशेष मात्रा भी बताया जाता है। जैसे चंद्रबिंदु का मात्रा, चंद्रबिंदु की मात्रा से वर्ड लिखने के लिए, शब्द लिखने के लिए सिखाया जाता है। जैसे सांप, दांत, इस तरह से। और कुछ संयुक्ताक्षर करके उन्हें बताया जाता है। जैसे आधा क, आधा त, आधा ग का यूज कैसे करते हैं। जैसे क प्लस क, क हलंत है तो आधा क हो गया, इससे वर्ड बनाने के लिए शब्द भी सिखाया जाता है। जैसे च क की चक्की, प त ता पत्ता, ग में र लगा तो ग्र, आ के मात्रा लगा ग्रा अम्मा ग्राम, इस तरह से बच्चों को संयुक्त अक्षर करना सिखाया जाता है। उसके बाद एक एक मात्रा हर एक व्यंजन पर लगाकर सिखाया जाता है, यानी व्यंजन वर्ण पे सारे मात्रा को लगाया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है। जैसे क प्लस आ की मात्रा का, क प्लस हर्षय की मात्रा की, क प्लस दीर्घ की मात्रा दीर्घ की, क प्लस हर्षव की मात्रा कु, क प्लस दीर्घ की मात्रा कु, क प्लस ए की मात्रा के, इस तरह से हर एक व्यंजन पे मात्रा लगाकर उन्हें बताया जाता है और उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। फिर स्वर और व्यंजन अक्षरों से बने शब्द बताया जाता है। जैसे अ, अ से अनार, आ से आम, इस तरह से बच्चों को वर्ड लिखने के लिए सिखाया जाता है। क से कबूतर, ख से खरगोश, इस तरह से बच्चे सारे स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर से शब्द बनाते हैं, बोलते हैं और लिखते भी हैं। फिर उन्हें इस तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाता है। जैसे सही अक्षर पर टिक का निशान लगाएं, जैसे ये चित्र को पहचानना है और उसके सही अक्षर पे टिक लगाना है। तो ये मटर का चित्र है तो मटर पे टिक लगाना है, ये बटन का चित्र है तो बटन पे टिक लगाना है। नेक्स्ट, चित्रों के नाम लिखे, इस तरह से चित्र बनाकर बच्चों को दे दिया जाता है और उन्हें पहचान कर उसका नाम लिखना होता है। इस तरह से जैसे ये है कलश कलश, बतख बतख, इस तरह से। फिर जोड़कर लिखे, क प्लस आ प्लस र कार, ह प्लस हर्षई की मात्रा प्लस र प्लस न हिरन हिरन, इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी। फिर चित्रों से वाक्य बनाएं, फिर चित्र के माध्यम से ही बच्चों को वाक्य बनाने के लिए सिखाया जाता है। जैसे ये माला है तो सीता माला ला। नेक्स्ट है, चित्र देखकर खाली जगह भरे, इस तरह से चित्र के माध्यम से ही बच्चों को खाली स्थान भरने के लिए दिया जाता है। जैसे ये आम का पिक्चर है तो आ म आम, पहिया पहिया, क्योंकि पहिया है। फिर बाद में बच्चों को किताब पढ़ना सिखाया जाता है।
और फिर चित्र के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती है। जैसे इस तरह से चित्र दिया हुआ रहता है और आसान आसान कहानियां भी सुनाई जाती है, जैसे प्यासे कौए की कहानियां, और फिर बच्चों को इस तरह से कविताएं भी बताई जाती है। उसके बाद बच्चों को हिंदी में गिनती सिखाई जाती है, 1 से लेकर 20 तक की गिनती जिसमें होती है, जो अंकों में होता है और शब्दों में दोनों होता है। फिर बच्चों को रंगों का नाम बताया जाता है, रंगों का नाम में जैसे हरा, पीला, लाल, काला, उजला, इस तरह से रंगों का नाम लिखने के लिए और पढ़ने के लिए दोनों सिखाया जाता है। फिर फलों का नाम सिखाया जाता है, जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए भी सिखाया जाता है। फिर फूलों का नाम, जैसे कमल, गुलाब, चमेली, इस तरह से बच्चों को फल, फूल, रंग सभी का नाम लिखने के लिए और पढ़ने के लिए सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो यदि हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।